उसका नाम प्रधानमंत्री संग्रहालय है, सभी प्रधानमंत्रियों की पूरी इतिहास है। इससे अधिक घटिया हरकत कुछ हो नहीं सकती। आजाद भारत के चुने हुए पहले प्रधानमंत्री को अपमानित करते हैं, अब शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो मुझे लगता है कि राजनीति में एक गिरने की एक सीमा होनी चाहिए, वो उस सीमा को भी लांग चुके। हर जगह पर जो है वो, कहीं पर श्रीमती इंदिरा गांधी, तो कहीं पे राजीव गांधी, तो कहीं पर जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी, ये वही एक ही परिवार का एक ही जो है वो शजरे वाले लोग थे। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम का नाम बदलकर पीएम म्यूजियम कर दिया गया है, जिसका कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों की तरफ से विरोध किया जा रहा है। वहीं इस मुद्दे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। देश की आज़ादी के साथ एक ही परिवार ने, जिसे कि आप नेहरू परिवार कह सकते हैं, बाद में उन्होंने गांधी परिवार बन गए, उन्होंने देश के संसाधनों पर अपना जन्मसिद्ध अधिकार और कब्जा जमा लिया और कह दिया कि जितने भी देश के संसाधन हैं उस पर हमारा तो जन्मसिद्ध अधिकार है, पेटेंट हो गया है। अब आप देखिए ना, रेलवे हो, सड़क हो, तालाब हो, झील हो, एयरपोर्ट हो, बिल्डिंगें हों, बसें हों, हर जगह पर जो है वो, कहीं पर श्रीमती इंदिरा गांधी, तो कहीं पे राजीव गांधी, तो कहीं पर जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी, ये वही एक ही परिवार का एक ही जो है वो शजरे वाले लोग थे। तो इन शजरे वालों का जो है वो पूरा के पूरा जो है वो कब्ज़ा शुद्ध रूप से जो है वो देश के संसाधनों पर करने का कब्जा। अरे भाई, देश के लिए और लोगों ने भी कुर्बानी दी, जिनको कि आपने इतिहास के काले पन्नों में डाल दिया था। तो मोदी जी ने आने के बाद आपके सम्मान के साथ साथ उन हज़ारों महानायकों के सम्मान को भी सम्मान दिया है, जिन्हें कि आपने इतिहास के काले पन्नों में डाल दिया था। तो इसमें चिल्ला शोर मचाने की क्या ज़रूरत है? कांग्रेस ने जो भी इस देश में आम जनता को जो दर्द दिए हैं, उसकी बड़ी लंबी फहरिस्त है। कांग्रेस चाहती है कि जैसे राजा का शासन, राजतंत्र होता है, उस तरह से ये देश चले। आप अक्सर देखते होंगे इस देश में कि मैक्सिमम संस्थाएं कांग्रेस के नेता, और नेता नहीं, केवल एक परिवार के नेताओं के नाम से, इंदिरा जी के नाम से, नेहरू जी के नाम से, राजीव जी के नाम से, अब तो सोनिया जी के नाम से भी कुछ स्टेट गवर्नमेंट में करने लगे। तो ये तो राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है, जनता का शासन है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। नेहरू जी पीएम थे और नेहरू जी के बाद भी बहुत लोग प्रधानमंत्री हुए हैं, बहुत अद्भुत काम किया है। तो अगर नेहरू म्यूजियम का नाम एन से पी हो गया, प्रधानमंत्री संग्रहालय हो गया, तो इसमें तो नेहरू जी भी समाहित हैं। हाँ, नेहरू जी के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी का उनमें नहीं होना चाहिए जानकारी? क्या मुरारजी देसाई जी की जानकारी नहीं होनी चाहिए? क्या वहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जी की जानकारी नहीं होनी चाहिए? क्या वहाँ राजीव गांधी जी की जानकारी नहीं होनी चाहिए? सबसे बड़ी बात है कि क्या वहाँ नरेंद्र मोदी जी अब प्रधानमंत्री बने, उनकी जानकारी नहीं होनी चाहिए? इस देश के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, उन सभी प्रधानमंत्रियों की जानकारी इस प्रधानमंत्री संग्रहालय करके वहाँ रखा गया है। यहाँ तक कि आप जाएंगे, किसी का मन करे मुझे नेहरू जी के साथ फ़ोटो खिंचानी है, तो डिजिटली आप खिंचवा सकते हैं, अटल जी के साथ खिंचवा सकते हैं, बीबी गिरी जी के साथ खिंचवा, जो भी प्रधानमंत्री रहे हैं उनके साथ आप फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। उसका नाम प्रधानमंत्री संग्रहालय है, सभी प्रधानमंत्रियों की पूरी इतिहास है। इससे अधिक घटिया हरकत कुछ हो नहीं सकती। एक तरफ वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसने रावी नदी के किनारे 1929 में पूर्ण स्वराज का नारा दिया और फिर आजादी के बाद प्रधानमंत्री के रूप में आधुनिक भारत का निर्माता बना, ये घटिया हरकत, अपने को बड़ा दिखाने के लिए,
उनके नाम पे जो मेमोरियल था उससे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का नाम हटाया जाना इस सरकार का घटियापन। चाहे वो शास्त्री जी हों या इंदिरा जी हों या राजीव जी हों, शास्त्री जी और इंदिरा जी ने मिलकर हरित क्रांति लाए, श्वेत क्रांति आई इस देश में, टेलीकॉम और आईटी की क्रांति राजीव जी लाए, तो आप, मैं बिल्कुल नहीं मानती हूं कि उन्होंने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया, सबने किया, हर प्रधानमंत्री ने, चाहे कांग्रेस या गैर कांग्रेस। लेकिन एक ये जो वैमनस्यता और एक ये बदले की राजनीति से जिससे प्रेरित होकर प्रधानमंत्री जी काम करते हैं, जिस आजाद भारत के चुने हुए पहले प्रधानमंत्री को अपमानित करते हैं, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, वो मुझे लगता है कि राजनीति में एक एक गिरने की एक सीमा होनी चाहिए, वो उस सीमा को भी लांग चुके हैं। आपको बता दें कि 1948 में तीन मूर्ति भवन देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का आधिकारिक आवास बन गया था। वे यहाँ करीब 16 सालों तक रहे और यहीं उन्होंने अपनी आखिरी सांस भी ली थी। उनके निधन के बाद इस तीन मूर्ति भवन को उनकी याद में समर्पित कर दिया गया और इसे पंडित नेहरू मेमोरियल नाम दे दिया गया, जिसे बदलकर केंद्र सरकार ने पीएम म्यूजियम एंड सोसाइटी कर दिया है।